अफजलगंज वक्फ लैंड माफिया कब्रिस्तान की हौसला अफजाई। आज मुकामी मेंबर शॉप के मालिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर के मालिक ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो उन तीनों लैंड ग्रैबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उन्हें दफनाने की इजाजत दें। वहां मौजूद चेयरमैन ने तहकीकात के बाद यकीन दहानी कराई है। करीब तीन दिन के भाई मिलके कब्रिस्तान को डिमोलिशन कर रहे थे। कहाँ पे? हजरत जानुल्लाह शाह की दरगाह पे जो कदीम कब्रिस्तान था वहाँ पर आके लोग रात रात डिमोलिशन करके पूरे छाड़ कदीम कब्रा तोड़ दिए थे। इमीडिएट हम चेयरमैन साहब को कॉल करे तो चेयरमैन साहब आके इंस्पेक्शन करे, इमीडिएट उनके अरेस्ट का वारंट करे, मगर एक जन्म के ऊपर हुआ। हम चेयरमैन साहब को सारे मार्केट के लोग ये मेमोरेंडम बना के फिर से चेयरमैन साहब को दरख्वास्त करे कि उन लोगों के ऊपर जो दो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व है तीन जने उनके ऊपर FIR होना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना और उनके जो मुतवली शिप कैंसिल होना बोल के हम लोग दरख्वास्त किए। और वहाँ पर जो लोग कदीम लोग जो आ रहे हैं उनके खबरा है बोल के उनको तदफीन करने के वास्ते परमिशन दी बोल के पसिनर साहब से इजाज़त ली। ऑलरेडी कब्रिस्तान है खबरों में जैसे जो लोग वहाँ पर आए पुराने जो एक तरीके दिन भी आके लोग वहाँ पर आके फूल वगैरह चढ़ाए आगे उल्ला फिर से वहाँ पर मस्जिद के कमेटी के लोग भी बोल रहे थे कि हम खबरें बनाने के फिर से ज़्यादा देर होता कि हम मसीउल्लाह साहब के पास आके चेयरमैन साहब आके कब्रिस्तान में पुराने तख्तियाँ भी है उल्ला निकाल के बताए हम लोग ज़मीन में से निकाल के बताए सब हमारे खबरें यहाँ पर है बोल के तो फिर मसीउल्लाह साहब की इजाज़त लिए तो मसीउल्लाह साहब बोले जो इसके पास रसीदा हैं उन लोग ला के तदफीन कर सकते फिर से अपने अपने झाड़ा जो खबर बना ले सकते बोल के इजाज़त दी।